हरियाणा के फरीदाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने के आरोप में एक कथित कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया है। विजेंद्र भावी नाम के इस आरोपी के पास से पुलिस ने 50 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए हैं, जिनमें से 8 भरे हुए थे जबकि 42 खाली सिलेंडर हैं। अपने आप को कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बेहद करीबी बताने वाला ये आरोपी 2014 में तिगांव विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुका है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने एक सूचना के आधार पर इस आरोपी को गिरफ्तार किया। हालांकि पुलिस इसके कांग्रेस पार्टी से जुड़े होने के बारे में कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। उनके मुताबिक वह इस मामले की जाँच कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अपने शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की छोटी बड़ी खबरें। सर, कल ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़े हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 की जो टीम है उनके पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि विजेंद्र जो मावी नाम का एक व्यक्ति है, इंदिरा कॉम्प्लेक्स में रहता है, उसके पास कुछ ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे हैं। इस इन्फॉर्मेशन पे CIA की टीम के द्वारा वहाँ ड्रग इंस्पेक्टर की हाजिरी में छापा मारा गया और वहाँ से जो है ऑक्सीजन के भरे हुए और कुछ जो है खाली सिलेंडर बरामद किए गए थे, जिनके आधार पर जो है थाना खेड़ी पुल के अंदर है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और CIA के द्वारा इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। विजेंद्र बाबी के बारे में कहा जा रहा है कि कोई कांग्रेसी नेता है वो, या आपको पता लगा तो कौन है वो? देखिए, हमारे को इस बारे में ना कोई जानकारी है ना हमारा ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उसके बाद में जो भी आगे और जो तथ्य आएंगे उसके आधार पे जो है और आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी।